सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा कायदा काम होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए मुख्यमंत्री मोहन यादव को जनता ने उल्टे पांव दौड़ाया, मची खलबली। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को लेकर अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है, लेकिन मोदी के उम्मीदवारों का जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है और अब तो मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी जनता ने घेरा है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता के बीच वाद इरादों का पिटारा खोलने छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा में कुछ लोग मोहन यादव के पास काम लेकर आए, लेकिन इस दौरान उनका रवैया ही अलग दिखाई दिया। यादव ने जवाब में कहा कि जब वोट नहीं दिया, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारे नहीं, तो काम कहां से होगा। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही मोहन यादव का ये वीडियो लगातार जो वायरल हो रहा है और जनता के साथ साथ कांग्रेस नेताओं द्वारा भी खूब शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुनेत ने कहा है कि ये मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। छिंदवाड़ा की जनता जब काम लेकर पहुंची तो धमकाने लगे, जब वोट नहीं दिया, जब सांसद हमारा नहीं है, पार्षद हमारे नहीं है, तो काम क्या करे, लानत है इस पर। और इसी के साथ एक और यूजर मोबिन एलन भी कहते हैं कि ये भाजपा के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जनता इनके पास अपनी समस्या लेकर गई तो जनता पर ही बरस गए और कहने लगे जब वोट नहीं दिया, सांसद हमारा नहीं, पार्षद हमारा नहीं, तो फिर काम कैसे होगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।